ये क्वेश्चन है, राजू रिंकू राम कैन डू अ वर्क इन 6, 12 एंड 24 डेज। तो राजू 6 डेज में कर रहे हैं, राजू 6 डेज, रिंकू 12 डेज एंड राम 24 डेज। ओके, अब इन्होंने कहा इन व्हाट टाइम विल दे ऑल टुगेदर डू इट, कि ये तीनों अगर मिलके करें आर 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 तो कितने टाइम में इस काम को कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर काम की कुछ यूनिट एग्ज्यूम कर लेते हैं कि कोई काम है वो कितने यूनिट काम था जो इन्होंने एग्जैक्टली किया है। तो हम कोई ऐसा यूनिट लेंगे जो 6, 12 और 24 का फैक्टर बनता हो। तो वो मैं लेती हूँ, मान लीजिए कि 24 यूनिट थी एग्जैक्ट जो काम है, वो 24 यूनिट काम इन्होंने किया है। तो राजू जो कि 6 दिन में 24 यूनिट काम कर लेते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 6 डिवाइडेड बाय 24। तो अगर मैं इसे करती हूँ तो पता चलता है कि 4 यूनिट राजू करते हैं। अगर 24 यूनिट काम है 12 डेज में रिंकू ने किया है, तो 1 डे में कितना करेगा, 2 यूनिट। और राम जो कि 24 डेज में किसी काम को ख़त्म करता है और 24 यूनिट अगर वो काम है, तो इन्होंने एक दिन में कितना किया, 1 यूनिट। तो एक दिन में इन्होंने 4, 2 और 1 यूनिट काम किया है। अब इन तीनों का एक साथ हमें देखना है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को प्लस कर देंगे। तो 4, 2, 6 प्लस 1, 7 यूनिट काम अगर ये तीनों मिल के करें तो एक दिन में कर लेंगे। टोटल काम कितना है, 24 यूनिट। इन्होंने एक दिन में मिलकर कितना किया, 7 यूनिट। यानी कि मैं 24 को जब मैं 7 से डिवाइड कर लूँगी तो मुझे पता चल जाएगा कि ये कितने दिनों में तीनों मिलकर काम कर लेंगे, और वो है 3, 3 बाय 7 डेज में ये तीनों मिलकर काम ख़त्म कर लेंगे।